दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन। इधर देख सकते हैं, यह है हमारे टाटा नगर का रेलवे स्टेशन। और इधर दोस्त का दोस्त ठीक है ना? हाँ दोस्त, बहुत बढ़िया दोस्त। चलिए अभी देख सकते हैं दोस्तों, अभी तो 12 बज के पार हो गया है और बड़ा बड़ा लाइन ट्रक सब खाली चल रही है ना। और उधर ये घुंटी दुकान खुला है भाई, तो कुछ खाते हैं का? नहीं दोस्त, तो जाते हैं डायरेक्ट रूम खाना ही खाते हैं क्या? हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों अभी शाम का खाटी 5 बज चुका है और हम काम करने के लिए आ गए हैं। और दोस्तों आज हम टोटल 6 गिग बुक किए हैं, 7 घंटा काम करने वाले हैं, अभी शाम का 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। दोस्तों हम लॉगिन हो गए हैं और मेरा पहला ऑर्डर भी आ गया है। ये पीछे पीएम मॉल देख सकते हैं, ये पीएम मॉल से आया है, जो कि हमको जाना है 5.5 किलोमीटर और 45 रुपया दे रहा है ना। तो चलिए पीएम मॉल जाने से पहले रोज की तरह आसपास का व्यू दिखाना चाहेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे आदित्यपुर का गोल चक्कर और ये पुल। रोड में काफी भीड़ भड़ाका है देख सकते हैं। और ये दोस्तों नदी, पता नहीं आज क्यों मुरझाया सा लग रहा है, शायद हमारे सूर्यदेव ढल गया इसीलिए। क्योंकि आज थोड़ा सा लेट में आए हैं। कोई नहीं दोस्तों, चलिए आज भी रोज की तरह गाड़ी का किलोमीटर को जीरो करते हैं। अभी दिखा रहे हैं आप सभी को, ये तो कल का है, 155 किलोमीटर भाई साहब। ये देख सकते हैं जीरो कर दिए हैं। और आज दोस्तों हम 200 रुपये का तेल भरवाए हैं ना। तो चलिए अभी हम जाते हैं पीएम मॉल हाईटेक सिटी, पहला ऑर्डर को पिकअप करते हैं। फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं पीएम मॉल, तो चलिए फटाफट ऑर्डर को पिक कर लेते हैं। रेडी हो गया है, फाइनली हमको मिल चुका है पहला ऑर्डर। तो चलिए अभी हमको इसको पहुंचाना है विजय हेरिटेज कदमा। दोस्तों आधा घंटा बाद मेरा सेकंड ऑर्डर गिर गया, ये लंच बॉक्स रेस्टोरेंट से, जो कि 6.5 किलोमीटर भेज रहा है और 53 रुपया दे रहा है। चलिए फिलहाल तो ऑर्डर रेडी हुआ नहीं है, देखते हैं कब तक रेडी करता है। 6203। ए बाप रे, इतना बड़ा ऑर्डर। ये रहा दोस्तों, फाइनली मिल चुका है मेरा सेकंड ऑर्डर है ना। तो चलिए अभी इसको हमको पहुंचाना है आदित्यपुर। 1,14,000 भरी है। दोस्तों अभी रात का 10 बजने वाला है, ऐसे तो 9:50 हो चुका है और मेरा 9वां नंबर का ऑर्डर लग चुका है ये नोबिलिटी रेस्टोरेंट से, और हमको भेज रहा है 4.5 किलोमीटर और दे रहा है हमको 58 रुपया। तो चलिए मेरा ऑर्डर रेडी हो गया है, फटाफट लेके आते हैं। फाइनली दोस्तों 9वां नंबर का ऑर्डर मिल चुका है, तो चलिए अभी हमको इसको पहुँचाना है मनगो, फटाफट पहुँचा के आते हैं। दोस्तों अभी रात का 11 बज चुका है और मेरा 11 नंबर का ऑर्डर लग गया ये तंदूरी हट से, और हमको भेज रहा है 6 किलोमीटर है ना, और 70 रुपया दे रहा है भाई। तो चलिए मेरा ऑर्डर रेडी हो गया है, फटाफट लेके आते हैं। ये रहा दोस्तों मेरा 11 नंबर का ऑर्डर मिल चुका है, तो चलिए अभी इसको हमको पहुंचाना है सोनारी। दोस्तों अभी रात का 11:45 हो चुका है और मेरा 12 नंबर का ऑर्डर लग गया द चॉकलेट रूम से है ना, और हमको भेज रहा है 1.5 किलोमीटर और दे रहा है 28 रुपया प्लस 5 रुपया। देखते हैं ये ऑर्डर मेरा लास्ट ऑर्डर होने वाला है या फिर और 12 से 1 वाला गिग बुक करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ऑर्डर रेडी होने तक इंतज़ार करते हैं और आप सभी को ज़रूर बताएंगे। ये रहा दोस्तों मेरा 12 नंबर का ऑर्डर मिल चुका है, तो चलिए अभी इसको हमको पहुँचाना है गंगोत्री हाउस। दोस्तों फाइनली अभी जो दास चॉकलेट रूम से ऑर्डर लेके आए थे ओला डिलीवर कर दिए हैं, इधर देख सकते हैं ये ओला बिल्डिंग में दे दिए हैं। और दोस्तों अभी रात का 12 बज के पार हो गया है और अभी मेरा दोस्त कॉल किया था, टाटा नगर रेलवे स्टेशन में है, पता नहीं कहाँ जा रहा था, अगल बगल में उनका मेहमान घर है शायद, लेकिन अभी 12 बज के पार हो गया तो कौन गाड़ी मिलेगा है ना। तो जाहिर सी बात है उनको मेरा रूम ले जाना बनता है, क्योंकि अभी इतना रात हो गया बेचारा कहाँ जाएगा। तो चलिए अभी सबसे पहले तो हम रेलवे स्टेशन पहुंच लेंगे, उसके बाद मेरा दोस्त को मेरा रूम ले जाएंगे, फिर रूम में ही आज मेरा गाड़ी कितना चला है, मेरा अर्निंग कितना हुआ, सारा चीज बताएंगे। ऐसे भी बहुत ठंडा लग रहा है, तो अभी काम नहीं करेंगे 12 से 1 बजे है ना, और शरीर भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो हम रेलवे स्टेशन पहुंच लेते हैं, मेरा दोस्त से भी आप सभी को मिलाएंगे
और क्या ही बोले। चलिए सबसे पहले तो स्टेशन पहुंच लेते हैं। दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन। इधर देख सकते हैं, यह है हमारे टाटानगर का रेलवे स्टेशन। और इधर दोस्त का दोस्त ठीक है ना? हाँ दोस्त, बहुत बढ़िया दोस्त। चलिए अभी देख सकते हैं दोस्तों, अभी तो 12 बज के पार हो गया है और बड़ा बड़ा लाइन ट्रक सब खाली चल रही है ना। और उधर एक घुंटी दुकान खुला है भाई, तो कुछ खाते हैं का? नहीं दोस्त, तो जाते हैं डायरेक्ट रूम खाना ही खाते हैं क्या? तो चलिए दोस्तों अभी हम दोनों सबसे पहले तो रूम पहुंच लेते हैं, उसके बाद रूम में ही खान पान करेंगे और अर्निंग वगैरह सारा चीज रूम में ही बताएंगे है ना। दोस्तों जस्ट अभी अभी रूम पहुंच रहे हैं और अभी रात का 1 बज के पार हो चुका है ना। तो चलिए सबसे पहले तो आज मेरा गाड़ी कितना रनिंग हुआ दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आज मेरा गाड़ी रनिंग हुआ है 98 किलोमीटर है ना। और दोस्तों आज मेरा टोटल अर्निंग हुआ है 698 रुपया और टोटल 12 ऑर्डर हुआ है ना। तो तभी हम 200 रुपये का तेल भरे थे, तो आप सभी समझ सकते हैं आज का मेरा अर्निंग कितना रहा। आज कुछ खास नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि आज सोमवार भी था तो सोमवार को उतना अच्छा मतलब ऑर्डर नहीं रहता है, इसीलिए आज उतना अच्छा अर्निंग हुआ नहीं और आज लंबा लंबा ऑर्डर भी नहीं मिला था हमको है ना। तो चलिए यही था आज का मेरा अर्निंग। अभी मेरा दोस्त भी आया हुआ है तो फटाफट खाना उना गर्म करते हैं, तभी मैं आशा बनाई है तो ठंडा हो गया होगा। तो चलिए अभी खाना उना गर्म करेंगे, फिर खाएंगे, फिर थोड़ा सा ब्लॉग भी एडिट करेंगे, उसके बाद सोएंगे। तो चलिए आज का ये ब्लॉग को हम यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आप सभी को यह ब्लॉग पसंद आई होगी, और पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल में न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छे सा ब्लॉग में, बाय बाय। दोस्तों इधर देख सकते हैं अभी खाना परोस लिए हैं और इधर पानी गर्म किए हैं, इधर दोस्त बैठ गया है। तो चलिए अभी हम दोनों फटाफट खाते हैं और सो जाएंगे।